नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट यानी मॉनेटरी लिमिट टैक्स ऑडिट की कितनी है? कुछ लोग बोलते हैं 1 करोड़, कोई बोलता है सर 2 करोड़, कोई बोलता है 5 करोड़, और अब एक नई चर्चा 10 करोड़ की भी चल रही है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करूंगा कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने टैक्स ऑडिट की जो रिवाइज ड्यू डेट है असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए वो रख रहा हूं। ये इनिशियली ड्यू डेट टैक्स ऑडिट की थी 30 सितंबर 2021, इसे बढ़ाकर सरकार ने किया 31 अक्टूबर 2021, और अभी रिसेंटली ये डेट बढ़ाकर के 15 जनवरी 2022 कर दी गई है। यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3CD रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर अकाउंटेंट इन दोज केसेज वेयर द टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल वुड बी 15th of January 2022। सो बिफोर आई मूव फर्दर फॉर माई डिस्कशन ऑन वॉट इज द थ्रेश होल्ड लिमिट यानी मॉनिटरी लिमिट क्या है जब आपको टैक्स ऑडिट करानी होती है, आपके सामने केवल एक चीज हाईलाइट करना चाहता था कि हमें बिजनेस में और प्रोफेशन में डिफरेंस करना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। जैसा कि आपके ऑलरेडी नॉलेज में होगा कि प्रोफेशनल के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अलग एप्लीकेबल होती है और बिजनेस के लिए सर थ्रेशोल्ड लिमिट अलग एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिस असेसी पर टैक्स ऑडिट होनी है क्या वो बिजनेसमैन है या क्या वो प्रोफेशनल है, और अकॉर्डिंगली फिर थ्रेशोल्ड लिमिट के क्राइटेरिया एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों पहले बात करता हूं प्रोफेशनल्स के लिए कि थ्रेशोल्ड लिमिट यानी मॉनेटरी लिमिट प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। सेक्शन 44AB उसका क्लॉज बी ये कहता है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन शेल इफ हिज ग्रॉस रिसीट इन द प्रोफेशन एक्सीड्स 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। यानी प्रोफेशनल को, प्रोफेशनल फॉर एन एग्जाम्पल क्या हुआ सर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सन्स, फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और टेक्निकल पर्सन्स, ये सब प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप एज अ प्रोफेशनल किसी वित्त वर्ष में आपकी ग्रॉस रसीद 50 लाख से ऊपर है, चाहे आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं चाहे आप नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, 50 लाख से ऊपर की ग्रॉस रसीद होने पर आपको एज अ प्रोफेशनल टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोफेशनल के अलावा बिजनेसमैन की, यानी बाकी के लोग जो बच गए वो बिजनेसमैन कहलाए, कि थ्रेशोल्ड लिमिट इफ यू आर अ बिजनेसमैन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट इज व्हाट। तो मैंने इसकी दो कैटेगरीज मेनली कर दी, हालांकि कैटेगरीज अन्य भी होंगी जिन्हें अभी आपके सामने रखता हूं। कि नॉर्मल कैटेगरी तो ये है, अगर आपकी टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट आपके बिजनेस में एक्सीड करती है 1 करोड़ से ऊपर तो आपको टैक्स ऑडिट चाहिए। मैं इसका उदाहरण देता हूं सर, एक व्यक्ति कमीशन एजेंट है और उन्हें साल भर की कमीशन 1.5 करोड़ रुपए की आती है। अब क्योंकि वो 44AD बिजनेस में नहीं है तो 1 करोड़ से ऊपर की ग्रॉस रिसीट होते ही उन सज्जन को अब टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। अब आप कहेंगे भाटिया जी 44AD वाले बिजनेस पर बताइए, तो मैं वो बात रखता हूं। अगर आपका बिजनेस एलिजिबल बिजनेस है 44AD का, जैसे रिटेल ट्रेडिंग करना, होलसेल ट्रेडिंग करना, इस तरीके के बिजनेस में बात करूं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बात करूं, तो लॉ ये बोलता है अगर आपका टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ रुपए तक है तो आप 44AD में है। लेकिन अगर आप 2 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं तो आप 44AD के लिए एलिजिबल नहीं रहते। ऐसी परिस्थिति में आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो कहने का मतलब यह सर, जो असेसीज 44AD में एलिजिबल हैं वो 2 करोड़ से ऊपर होने पर टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल हैं, और बाकी के असेसीज चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या बिजनेसमैन हो एक्सेप्ट प्रोफेशनल, वो 1 करोड़ से ऊपर के लेवल पर बाय डिफॉल्ट टैक्स ऑडिट कराने के लिए लाइबल है। अब नेचुरली दोस्तों कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि भटिया जी आप गलत बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट तो अब बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई। और कुछ लोगों से मेरा क्वेश्चन ये भी होगा कि सर 10 करोड़ रुपए की लिमिट भी एक नई सुनने में आती है, तो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ये जो बढ़ी हुई थ्रेशोल्ड है 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, और ये बढ़ी हुई थ्रेशोल्ड कब एप्लीकेबल होगी, वो बात आपके सामने सर लॉ के रूप में रखता हूं कि सेक्शन 44AB कहता है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शेल
इफ इज टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 1 crore रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, तो 1 crore प्लस का क्राइटेरिया, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सैड अमाउंट एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सैड पेमेंट। तो यानी कंडीशन क्या आई, अगर आपका टोटल रिसीट के कंपैरिजन में कैश रिसीट और रिसीट टोटल पेमेंट के कंपैरिजन में कैश पेमेंट रिस्पेक्टिवली 5% से ज्यादा कैश नहीं है तो आपको 1 crore की लिमिट नहीं लागू होगी सर, आपको 10 crore की लिमिट लागू होगी। ये 10 crore की लिमिट आई सर फिनेंस एक्ट 2021 से और इसके लिए बोला गया साहब कि ये लागू है 1 अप्रैल 2021 से। तो मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन निकालने की बात सोची कि साहब ये तो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आई, यानी जिस असेसमेंट ईयर के लिए मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं उस असेसमेंट ईयर के लिए आपको एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ की एप्लीकेबल होगी, यानी 10 करोड़ तक दोस्तों टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पर्टिकुलर बिजनेस में जो टोटल रिसीट्स हैं और टोटल पेमेंट है उनके कैश रिसीट और कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं है तो, अब आप कहेंगे नहीं सर अगर ऐसा नहीं है तो मेरी पुरानी बात 1 crore प्लस पर ऑडिट या 2 crore प्लस पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी। एक और बात सरकार ने बोली है कि प्रोवाइडेड फर्दर फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज पेमेंट ऑफ रिसीट पेमेंट और रिसीट एज द केस में बी बाय अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे शैल बी डीम्ड टू बी पेमेंट और रिसीट एज द केस में बी इन कैश। यानी सरकार कह रही है आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करिए, ठीक है, और किसी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्रेडिट कार्ड भी शामिल करेंगे, ठीक है, आप अकाउंट पे चेक आरटीजीएस एनईएफटी सब ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई बीरर चेक दे दिया या नॉन अकाउंट पे चेक दे दिया तो उसे कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट का सर आपको 10 करोड़ का क्राइटेरिया मेरी ओपिनियन में असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए लागू होता है। फिर भी अगर आपका संदेह अभी भी दूर ना हुआ हो तो मैं उसे और क्लैरिटी से आगे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी तरह मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि ये जो एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5 crore की है, 5 crore प्लस पे है या 10 crore प्लस पे है। तो उसके लिए मैं पीछे गया मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल 2021। तो भारत सरकार ने जब भी बजट आता है दोस्तों उसके साथ एक मेमोरेंडम और आता है जो फाइनेंस बिल में भारत सरकार रिलेवेंट अमेंडमेंट रखती है, उनके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी या क्या भारत सरकार की सोच है वो कई बार मेमोरेंडम के थ्रू आती। तो सरकार ने अंडर द टाइटल रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स ऑडिट इन सर्टेन केसेस के संदर्भ में मेमोरेंडम में लिखा कि अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द एक्ट एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू गेट इज अकाउंट ऑडिटेड इफ इज टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट इन द बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 1 crore रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। In case of a person carrying on profession, he is required to get his account audited if his gross receipt in the profession exceeds 50 lakh in any previous year. In order to reduce compliance burden on small and medium enterprises through Finance Act 2020, the threshold limit for a person carrying on business was increased from 1 crore to 5 crore in the cases where 1. Aggregate of all receipt in cash during the previous year does not exceed 5% of such receipt. And aggregate of all payment in cash during the previous year does not exceed 5% of such payment. तो आप बोलेंगे भाटिया जी ये तो फिर वही 5 करोड़ वाली बात आई, 10 करोड़ की कहां आई। तो इस पर मैं आगे कुछ और जोड़ना चाहूंगा कि यही मेमोरेंडम आगे क्या कह रहा है दोस्तों, वो कहता है इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज नॉन कैश ट्रांजेक्शन टू प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी and to further reduce compliance burden of small and medium enterprises, it is proposed to increase the threshold from 5 crore rupees to 10 crore rupees in the cases listed above. And this amendment, this is very much important, sir, will take effect from 1st of April 2021 and will accordingly apply for the assessment year 21-22 and subsequent assessment year. So I hope, दोस्तों, अब हम सबको clear है कि assessment year 21-22 से ही एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ रुपए की एप्लीकेबल होगी। दोस्तों मेरा ये मानना है कि ऑडिट कराना हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर बिना ऑडिट एक अगर एसएससी चलना चाहता है, जैसे F&O के ट्रांजैक्शन जहां वॉल्यूम तो बहुत बड़ा है लेकिन अक्सर लॉसेज होते हैं या अक्सर उतने प्रॉफिट नहीं आते जितना वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर है, तो उन
केसेस में टैक्स ऑडिट शायद एसएससी को एक बर्डन लगता हो कि एडिशनल कॉस्ट लगे, वहां पर मुझे लगता है कि एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत हद तक कारगर रह सकती है। अब दोस्तों कुछ कंफ्यूजन टैक्स ऑडिट में 44 एडी से संबंधित है कि आपका 2 करोड़ रुपए तक का ही टर्नओवर है और आप 44 एडी में हैं और अब आप लोअर मार्जिन दिखाना चाहते हैं 6% या 8% से कम, तो क्या अब आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी क्या? मैं अपने विचार रख रहा हूं, मेरी ओपिनियन फाइनल ओपिनियन है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये ओपिनियन मैंने डेवलप करी ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द लॉ जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट, एलिजिबल एसएससी कौन सा जो 44 एडी में एलिजिबल है, फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with provisions of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of provisions of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with provisions of subsection 1. What does this mean? ध्यान से समझिए कि आपने मान लीजिए assessment year 2019-20 में 44 AD का benefit ले लिया, फिर 2021 में भी आप 44 एडी में थे, 21-22 असेसमेंट ईयर में आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, पर आप कहते हो सर मेरा मार्जिन केवल 3% रह गया कोरोना की वजह से। अब क्योंकि पिछले 2 साल से आप 44 एडी में हैं और इस साल आप 44 एडी के अंदर कवर्ड होने के बावजूद 3% मार्जिन देना चाहते हैं, अब आपको दोस्त क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना है और बुक्स रखना है क्योंकि आपने पहले 44 एडी लिया है। अगर आपने पहले 44 एडी नहीं लिया कभी तो ये पॉइंट सबसेक्शन 4 ऑफ 44 एडी आप पर एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट बिफोर यू। इसी प्रकार दोस्तों जैसे 44 एडी में बात करी, 44 ए जो ट्रांसपोर्टर्स पर लागू होता है वो ये कहता है कि हैवी गुड्स व्हीकल के केस में 1000 रुपए पर टन पर डे इनकम कैलकुलेट की जाएगी और नॉन हैवी गुड्स व्हीकल में 7500 रुपए पर मंथ की कैलकुलेशन की जाएगी। पर एज अ ट्रांसपोर्टर कोई कहता नहीं सर मेरी इतनी इनकम नहीं बैठती, तो लॉ ये कहता है नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, आई एम रीडिंग 44 ए सबसेक्शन 7, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एन एसएससी मे क्लेम लोअर प्रॉफिट एंड गेन देन द प्रॉफिट एंड गेन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 एंड 2। कौन से सबसेक्शन 1 एंड 2 दोस्तों? 44 ए ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड। इफ ही केप्स एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 44AA and get his accounts audited and furnishes a report of such audit prescribed under section 44AB. So simply speaking, अगर आप 44A में by default आते हैं और आप lower income बताना चाहते हैं as a transporter, तो आपको by default books of account document बनानी है और साथ ही साथ audit भी करानी है। एक और बात अंतिम आपके सामने रखता हूं सर, लोअर रिपोर्टिंग देन 44 एडीए प्रिजम्प्टिव इनकम के, मान लीजिए आप प्रोफेशनल हैं, आपकी 50 लाख तक की रिसीट है, लॉ कहता है 44 एडीए में 50% मिनिमम इनकम ऑफर कर दीजिए, आप कहते हैं नहीं सर मेरे तो केवल 35% ही इनकम है, तो फिर लॉ बड़ा क्लियर है कि आपको सबसेक्शन 4 ऑफ 44 एडीए के अनुसार एन एसएससी who claims his profit and gain from the profession are lower than the profit and gain specified in subsection 1, that is 50%, and whose total income exceeds maximum amount which is not chargeable to income tax, shall be required to keep and maintain such books of account other document as required under 44AA and get them audited and furnish a report of such audit under section 44AB. So, दोस्तों मैं आशा करता हूं कि टैक्स ऑडिट के संदर्भ में सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जुड़ी ये वीडियो आपको असेसमेंट ईयर 2021-22 के संदर्भ में टैक्स ऑडिट की थ्रेशोल्ड लिमिट के न्यूएंसेस प्रैक्टिकल तरीके से समझने में मदद करेगी। और यदि आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।